नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, एक इनोवा गाड़ी बता दें, करनाल के सेक्टर 6 चौक पर जो है HR20U0005 नंबर की इनोवा गाड़ी आती है और शायद रेड लाइट आप देख सकते हैं, रेड लाइट का इस समय चौक है और बता रहे हैं कि यहाँ पर शायद गाड़ी हिट होती है जो कि फिलहाल बताया जा रहा है। लेकिन तो यहाँ पर फिलहाल बता रहे हैं कि गाड़ी का शीशा टूट चुका है। कौन सा शीशा टूटा है ये जरूर देखें। सर कौन सा शीशा टूटा है? ये देखो सर, ये ना ऐसे हो गया था, मैंने अभी सीधा कराया, ये इसने ये रगड़ता हुआ चला गया सर ऐसे, मैंने गाड़ी रोक ली थी उसके बाद भी देख लो। और मैं कह रहा हूँ नीचे उतर जा, नीचे नहीं उतर रहा। पीछे से आ रहे थे, आगे गाड़ी थी, स्पेस था, तो मैंने जैसे निकालने की कोशिश करी तो इन्होंने देखा भाई आगे आगे आने लग रहे हैं, तो मैंने देख लिया था भाई ये इनकी इंटेंशन ठीक नहीं है, मैंने गाड़ी रोक ली। इन्होंने निकालने की बजाय, इधर लेने की बजाय जानबूझ कर पीछे से ना ये मेरा यूं खिसड़ाते हुए चले गए। मैंने कहा नीचे उतर जाओ, नीचे नहीं उतर। तो आपने यहाँ आके गाड़ी आगे लगाई है? हाँ जी, इन्होंने कही थी ट्रैफिक वालों ने। यहाँ पर फिलहाल पुलिस की गाड़ी है जो कि HR4580079 नंबर की गाड़ी है और यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं कि जो मौके पर जो गाड़ी चला रहे थे जो चालक, सर क्या हुआ है ये पूरा मैटर, क्या हो गया? मेरी गाड़ी नीचे खड़ी अभी भी देख लो जी, और ये पीछे से आकर रेड लाइट पर गाड़ी खड़ी बिल्कुल, और आगे लगा दी गाड़ी इसने मेरी। हाँ मैंने बोला था मैं नीचे नीचे नहीं उतर रहा, मेरे साथ मार पिटाई के लिए तैयार रही हो, आते ही ने गाड़ी क्लोज करी, बोला तेरे को SPD जी सबको देख लूँगा मैं। मैं बोला भाई मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मेरे को क्या देखना, बता अगर तेरा कोई नुकसान आया तो पैसे ले ले, नहीं थाने में चलो उतर में, अगर जो भी नुकसान है पैसे ले, थाने में चलो, कहीं भी चलो, बताओ ठीक है ना भाई साहब। तो यहाँ पर फिलहाल डायल 112 की टीम जो है मौके पर पहुँच चुकी है जी। और भाई साहब आए पीछे से, और पीछे से आगे ले आए भाई साहब। अभी इस ट्रक इससे नीचे कहाँ उतरे बताओ आप, ठीक है ना? अभी ये बोलते हैं गाड़ी का स्क्रोच लगी, शीशा टूटा है नहीं, आप ही देख लो, टूटा देख लो, आप देख लो, देख लो, देख लो इनको, तब के ये कह रहे थे। तो यहाँ पर फिलहाल डायल 112 की टीम है जो मौके पर पहुंची हुई है, क्या पूरा मैटर है एक बार यहाँ पर क्या कर दोगे? अरे रुक तो जा, मैं क्यों जाऊंगा चौकी में, मेरी ही लो बहन, मैं क्यों जाऊंगा चौकी में, देख लो अभी प्रेशर बना रहे चौकी में जाने के लिए। आपने किया था भाई साहब? हाँ जी भाई साहब, क्या बात होगी, मेरी गाड़ी जो जरूर खड़ी थी, और भाई साहब पीछे से आके गाड़ी आकर ले आई बिल्कुल, तो मैं कहाँ जाऊँ, इतनी देर में रेड लाइट को ग्रीन लाइट होगी, मैं चल दिया भाई साहब, ने गाड़ी नहीं रोकी, रोक दी मैंने गाड़ी भाई साहब, गाड़ी उस कैमरे में आ जाएगी, मैंने गाड़ी रोक के खड़ी कर दी, हाँ आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अभी है ना, मेरे फिंगर प्रिंट वगैरह मेरी सुन लो, इन्होंने अभी जैसे पुलिस वाले आरोप लगाते हैं जब वो गलत काम करते हैं, इन्होंने अपने ये बयान दिया था अभी रिकॉर्डिंग में है कि मैंने इनका गला पकड़ा, अगर मैंने इनका गला पकड़ा तो मेरे को सजा मिलनी चाहिए, अगर मैंने इनका टच भी नहीं किया गले को तो इनको ये झूठा आरोप लगाने के जो भी धारा पड़ती है वो इनके ऊपर लगनी चाहिए। सर आप एक बार नहीं मतलब पुलिस वाला तो कुछ भी करेगा, नहीं कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ हाईवे है, ये रास्ता जाम ना हो इसीलिए हम चाहते हैं कि एक साइड में, मैंने तो नौकरी पे भी जाना भाई, मेरे लेट होने लग रहा हूँ उसका, सर इसीलिए कह रहे हैं ना कि जो पॉसिबल अगर आपको कुछ भी किसी भी तरह की कोई इशू है तो आप भी असर है, आप भी असर है, आप मेरी सुन लो, वहाँ जाकर देखने की लोन करी 15 मिनट हो लिए, एक बार उतर गई देता जी गलती होगी, कैमरा मैं चला जाता हंसने लग गया। हाँ जी भाई साहब गलती मान लेता ना मैं चला जाता, हंस रहा ऊपर अनोला जो करना कर लग गई है, तो थाने में चलो, थाने में किसी ने चलूं, अरे जो नुकसान होगा भरपाई हो जाएगी, मैं ऊपर नीचे उतर के देख लो। अभी आप लोग क्या चाह रहे हो? मैं ये चाह रहा हूं मेरा देखे वहां जाके, जो मैं जब का रिक्वेस्ट कर रहा था आप कहने के बाद ही उतरा है, अब वहां जाके देखे और जो मेरा नुकसान पूरा कर दे, मेरी दुश्मन ही थोड़ा इससे कोई, मैं दुश्मन थोड़ा कोई। अभी फिलहाल वो शीशा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं दोनों ही जो चालक हैं, एक इनोवा चालक जो और साथ में जो पुलिस की जो आप देख रहे हैं बड़ा जो ट्रक है, वो दोनों ही आपस में चलते हुए बता रहे हैं कि शीशा टकरा जाता है जिसके बाद आगे इनोवा लगाई जाती है। तो यहाँ पर ये शीशा फिलहाल दिखा रहे हैं, ये टूटा हुआ जो शीशा फिलहाल जो मामले को सुलझाने के लिए बता रहे हैं कि जो नज़दीकी जो
चौकी है सेक्टर 6 चौकी, वहाँ पर एक बार चलकर जो है मामले को निपटा लेते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो इनोवा चालक हैं वो बता रहे हैं कि वो लेक्चरर हैं किसी कॉलेज के गवर्नमेंट कॉलेज में, और उन्होंने ये चीज़ बोली है कि वो मामले को यहीं सुलझा लेते, लेकिन यहाँ पर फिलहाल दोनों एक बीच में जो है कुछ सुलह सी होती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा जी मेरी किसी से कोई वो नहीं है, इन्होंने घमंड दिखाया था पुलिस का। अरे यार आज प्रेस आ गई भाई जान, खुशकिस्मती है मेरी, अभी आपका के झूठा आरोप लगा था मैंने, मेरा भाई साहब मेरी फिंगरप्रिंट लो, अरे इनके शरीर पे कहीं भी मेरा फिंगरप्रिंट पा जाए तो मेरे को सजा मिलनी चाहिए। झूठा आरोप क्यों लगाया, उसके लिए सॉरी बोल। किसने सॉरी बोलूं, मैंने गला पकड़ा है, एक मिनट मैंने गला पकड़ा है, अगर मेरी गलती है तो मैंने गला पकड़ा आपका, एक मिनट क्लियर करो, इंसानियत भी छोड़ो, अगर मेरी गलती है तो चौकी मार, मैंने गला पकड़ा क्या आपका ये बता दो एक बार, मैंने पकड़ा बस, अगर मेरी इसके शरीर पर कहीं फिंगर प्रिंट है मेरी सजा होनी चाहिए, नहीं तो इस ओवर के साथ झूठा आरोप लगाने लग रहे अभी आप पुलिस में होगे, आप पुलिस में होगे, आप तो फिर समझदार हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप गाड़ी जो भी आपका नुकसान हुआ उसकी भरपाई करवाएंगे आप, मैं कर रहा हूं, मैंने भरोसा, मैं आप एक आकर मैं आपके साथ, मेरे साथ से तो गेम जाना मेरा, मैं पुलिस में मैंने टाइम कर रहा हूं, दो मिनट आप, आप 2 मिनट में करो। यहां पर फिलहाल बता रहे हैं कि मामले को एक बार चलकर जो है सुलझा लिया जाए, बता रहे हैं उन्हें कि चौकी चलकर बात कर लेते हैं, क्योंकि सड़क पर ट्रैफिक भी लग रहा है, जो रेड लाइट है आप देख सकते हैं काफ़ी समय से हो रखी है, और पीछे से ट्रैफिक को भी काफ़ी व्यवस्था जो है वो ख़राब ज़रूर हो रही है। लेकिन यहां पर फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो व्यक्ति हैं वो किस तरीके से करवा दो तो मैं कार्रवाई नहीं होने जो ठीक है, फिर आप चलो लेके चलो। यहाँ पर फिलहाल बता रहे हैं कि कार्रवाई जो है, तो अभी फिलहाल देखते हैं, इसी गलती है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। सर आपको नहीं लगता छोटा सा मामला निपट जाएगा तो मैडम ले देगा वो, ले देगा क्या मतलब है, अगर मेरी गलती है तो ठीक है, मेरे से तो मिलनी चाहिए। तो आप नुकसान भरने के लिए तैयार हैं? हाँ, अगर गलती है तो भरने के लिए तैयार हूँ। तो बात कहाँ अड़ी हुई है? बात ईगो के, इसकी ईगो के ऊपर बोलता है पुलिस वाले मारेंगे, अरे मैं नीचे गाड़ी उतार के उसे तो कहाँ जाऊँ मैं, वो कह रहे हैं कि मैंने आपका कॉलर नहीं पकड़ा, आप शायद बोल रहे हैं कॉलर पकड़ा, नहीं मैं पकड़ा देने उतारा, मैं तो इस बात को मैं डरता नीचे नहीं उतरा, जब तक इसे बारा नहीं आई ये इस बात पर नीचे नहीं उतरा, मैं कैसे उतरूँ, ये गुस्से में तो मार देता तो फिर क्या जद रह जाती बताओ आप, मार पीछे तो कोई पुकार भी नहीं होती, बाद में ये सॉरी बोल देता तो क्या होता, कुछ भी नहीं। नुकसान भर के सुलह चाहते हैं? नहीं नुकसान में भर दूंगा, चंग तुम चलो कोई दिक्कत नहीं है, चौकी में चलो, वहाँ की जा रहे सेक्टर, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, जहाँ मर्जी चलो, अगर वहाँ लगता है नुकसान है देखकर, मैं भरने के लिए कोई दिक्कत नहीं मेरे को। आपकी तैनाती कहाँ पर है? मेरी तरफ पुलिस लाइन में जी। अच्छा पुलिस, हाँ जी। तो यहाँ शिवेंद्र जी हैं पुलिस लाइन से, और जो मौके पर जो टीचर हैं गवर्नमेंट कॉलेज के जो, वो जो है अभी फिलहाल मौके पर आप देख सकते हैं कि उन्हें जो दोनों का ही जो सुलह है वो फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन फिलहाल चौकी ज़रूर जा रहे हैं, तो उन्हें फिलहाल ज़रूर लेकर जो है जाया जा रहा है। तो अब सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें, छोटी सी बात का बतंगड़ ज़रूर बन गया, लेकिन ये ज़रूर है कि किस तरीके से फिलहाल जो इनोवा गाड़ी है उसे फिलहाल यहाँ से लेकर ज़रूर जाया जा रहा है। आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और नुकसान तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बात का बतंगड़ बनने में देरी नहीं लगी, बात ईगो पर आ गई और दोनों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ये सिर्फ लॉक निकला हुआ था गाड़ी का, उसमें हिट होने के बाद वो हाथ से अब ठीक हो गए। तो यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं कि, तो यहाँ पर मौके पर देख सकते हैं पुलिस, इतनी ही बात थी, कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं थी, अभी कार्रवाई चाह रहे हैं, अब बाद में अभी मना भी कर दिया, बोले हमारा ठीक हो गया हम जा रहे हैं। सर छोटी सी बात थी, बड़ा बवाल बन गया उसका, ठीक हो गया, मेन मुद्दा यह था कि पब्लिक परेशान होगी थी आने जाने वाली, ट्रैफिक की स्थिति काफी खराब हो गई थी। हाँ जी, पुलिस का टेम्पो कहाँ से कहाँ जा रहा था, तो पुलिस की गाड़ी थी ये जी, सेक्टर 12 की तरफ से, पीछे की तरफ से आया था, और उसमें ये बोल रहा था कि भाई ये हाजिरी लगाने की जल्दबाजी में था, इनोवा गाड़ी थी कौन सी थी, हाँ प्रोफेसर कॉलेज के थे, तो ये हाजिरी लगाने के चक्कर में जल्दबाजी कर रहे थे, तो जब जल्दबाजी कर रहे थे जैसे ग्रीन बत्ती हुई तो टच हो गया होगा हल्का, बड़ी गाड़ी होगी, तो इन्होंने इस बात का एक बड़ा मुद्दा बना दिया था,
और कार्रवाई के लिए भी मतलब आगे भी नहीं जाना चाह रहे थे। यही कह रहे थे मक्के भाई हो, अभी यहाँ ठीक हो गया सब कुछ। सर अब सुलह हो गई, चले गए? हाँ जी अभी सुलह हो गई है इनकी, चले गए। हाँ जी, तो यहाँ पर फिलहाल सुलह हो गई और दोनों के दोनों ही जो है वो अपने अपने काम पर निकल गए। फिलहाल आप सभी से ये कहना चाहेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, फिर से जुड़ेंगे F24 के ऊपर, तब तक लीजिए। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।